हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मीशो कुर्ती हॉल, जो कि एक आम कुर्ती हॉल नहीं है, ये एक फीडिंग कुर्ती हॉल है। तो जिन लोगों को भी ऐसी कुर्ती की ज़रूरत है उनके लिए वीडियो स्पेशल होने वाली बनाता है। वो कुर्ती ये है, ये लाइट ब्लू कलर की कुर्ती है। इसकी नेक लाइन राउंड है, फ्रंट से भी और बैक से भी। इसके नेक पे ऐसे बटन दिए गए हैं और नीचे ऐसे टू कलर में टैसल आपको मिलेंगे। ये बिल्कुल भी बटन ओपन नहीं होती है, ये ऐसे ही शो के लिए दी गई है। और इसके स्लीव्स 3x4 है और स्लीव्स के नीचे ऐसे कट डिजाइन दिए गए हैं। और इसकी फैब्रिक रेयॉन है, फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, स्मूथ है, ब्रीदेबल है। आपको इसको पहन के बिल्कुल कंफर्टेबल फील होने वाला है। और इसकी साइज एक्सेल लाइन कुर्ती है, आपको नीचे तक ऐसे ही मिलेगी। आपको पूरी कुर्ती पे प्रिंट मिलेंगे, बैक भी और फ्रंट भी। और जो इसकी स्पेशल क्वालिटी है वो ये है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके साइड से यहाँ पे चैन लगा दी गई है, जो कि बिल्कुल भी दिखती नहीं है। अगर आपको कोई दूर से पहने देखेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा कि आपने एक फीडिंग कुर्ती पहनी है। ये साइड से ऐसे चैन दी गई है जो कि यहाँ से ओपन हो जाती है, ये देखो ओपन हो जाती है। और ये एक साइड, दोनों साइड दी गए, ये है, इस साइड से भी ये ऐसे ही ओपन हो जाती है, ये ऐसे यहाँ से ही दी गई है, देख सकते हैं आप, ये आपको दिख रहा होगा। ऐसे भी ऐसे ही दी गई है, ये भी ओपन हो जाती है बिल्कुल। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल देखिए, ये एक साइड से है और ये दूसरी साइड से है, ये ऐसे ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं इसकी दोनों साइड ओपन हो जाती है। जिन लोगों को भी फीडिंग करानी है उनको ये कुर्ती लेकर के बहुत ही सहूलियत होने वाली है। अब जो दूसरी नंबर कुर्ती है, आपको आफ्टर वाश दे रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसके प्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं गए हैं। इसके प्रिंट्स जो है वो फैब्रिक के साथ ही हैं, ये निकलने वाले नहीं हैं। और ये कुर्ती वाश कर दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। इसके ना ही कलर गए हैं और ना ही प्रिंट गए। कुर्ती है ये लाइट पैरोट ग्रीन कलर की, ये कुर्ती है, एक अनारकली कुर्ती है। और इसकी नेक लाइन ऐसी है, ये नेक पे वर्क किया गया है, ये प्रिंट बिल्कुल भी नहीं है, ये वर्क है। इसकी भी स्लीव्स 3x4 है, इसकी भी फैब्रिक रेयॉन ही है। और ये एक अनारकली कुर्ती है, आप देख सकते हैं ये। और ये फैब्रिक प्रिंट है, ये बिल्कुल भी ऊपर से कुछ नहीं है, ये प्रिंट है। ये आफ्टर वाश भी आपके नहीं जाने वाली है। और ऐसे इसमें पीछे बांधने के लिए दिया गया है। इसकी साइज भी एक्सल है, इसकी फैब्रिक भी बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ है। और इसकी भी स्पेशल क्वालिटी वही है कि ये यहाँ से ओपन करने के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं ये चैन लगी है यहाँ से, और चैन भी बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो ओपन करने में, ऐसे नहीं है। बिल्कुल एक बार में ओपन हो जाती है और एक बार में ऐसे हो जाती है। इसकी भी दोनों साइड ही दी गई है ऐसे, आप देख सकते हैं ये दोनों साइड दी गई है। ये फ्रंट से ऐसा है और बैक से ऐसा है, ये आपकी पूरी कुर्ती पे आपको ऐसे ही प्रिंट मिलने वाली है। ये आपके नी के लेंथ के पास की कुर्ती है, वो ये मैरून कलर की कुर्ती है। ये कैमरे में हो सकती है रेड लगती होगी, पर ये एक मैरून कलर की कुर्ती है। ये भी एक अनारकली कुर्ती है। इसकी नेक लाइन कुछ ऐसी है, कॉलर, और इस पे ऐसे बटन दिए गए हैं, पर ये बटन बिल्कुल भी ओपन नहीं होती है, सिर्फ एक बटन ऊपर से ओपन होती है। इसकी स्लीव्स भी 3x4 है, इसका फैब्रिक भी रेयॉन है, काफ़ी सॉफ्ट है। इस कुर्ती के अलावा इस कुर्ती का फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है और इसका भी प्रिंट निकलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, आफ्टर वाश भी ये बिल्कुल नहीं जाने वाली। की भी खासियत वही है कि इस दोनों साइड से यहाँ पे इसमें चैन दिया गया है, ये चैन दिया गया है जिसे आप ओपन करके फीडिंग करा सकते हैं। ये तीनों ही फीडिंग कुर्ती है, देख सकते हैं, मैं इसे भी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। और इसके चैन तो इतने सफाई से इसमें फिट किए गए हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखती कि ये एक फीडिंग कुर्ती है। इसकी नेक लाइन ऐसी है कि इसमें
बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि एक फिटिंग कुर्ती है। आप ओवरऑल लुक देख सकते हैं, ये भी एक अनारकली कुर्ती है। आपके नी के लेंथ के पास आएगी ये कुर्ती। पूरी कुर्ती पर आपको ऐसे ही प्रिंट मिलने वाले हैं, फ्रंट और बैक दोनों साइड आपको ऐसे ही प्रिंट मिलने वाले हैं। इसके यहाँ से ऐसे कट करके बनाया गया है ये डिजाइन। कुर्ती पहनी है ये, फ्लिपकार्ट से खरीदी हुई कुर्ती है। अगर आपको ये कुर्ती अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसका लिंक आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ट्रायल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी कुर्ती नहीं है, मेरी फ्रेंड की कुर्ती है जिन्हें अभी बेबी हुई है, तो वो उन्होंने ये बाय किया है और मैंने रिव्यू इसका किया है। तो मैं इसका बस ओवरऑल लुक आपको दिखा दूँगी अपने वीडियो के लास्ट में, आपको पता चल जाएगा कि ये कुर्तियाँ कैसी है और आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे बाय। तीनों कुर्तियों की प्रोडक्ट कोड और प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और मैंने और भी कुर्तियाँ इसमें कुछ सर्च की थी जो मुझे अच्छी लगी हैं, लेकिन मैं हम लोगों ने वो बाय नहीं किया है, तो मैं उसके भी ऑप्शन भी आपको डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको भी ऐसी कुर्तियों की ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले।